तो डियर व्यूअर्स वेलकम बैक आपका पार्ट टू में तो हमने इलेक्ट्रिकल डिटेल में बात कर ली थी पिछली वीडियो में अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स तो सबसे पहले यहाँ पे द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक आ, में से ही एग्जाम्पल है यहाँ पे जैसे कि टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ अब यहाँ पे जो इसका फ्रॉस्ट यूज सिंपल कोलोकियल डिक्शन मतलब जैसे कि रोजमर्रा की जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे अपनी डेली कन्वर्जेशन में कम्युनिकेशन में उसको हम कह रहे होते हैं कलोकियल लैंग्वेज uh, या सिंपल लैंग्वेज तो उसने अभी यहाँ पे सिंपल डिक्शन यूज़ की है टू कन्वे यूनिवर्सल एक्सपीरियंस इन एन एक्सेसिबल कन्वर्जेशन टोन द स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स लाइक रूड्स वूड एंड ट्रैवल रिफ्लेक्टिव टोन मेकिंग द पोम रिलेटेबल एंड ग्राउंडेड इन रियालिटी तो असल में न जिसने यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे कि रोड्स हैं यहाँ पे और वुड है और यहाँ पे ट्रैवल है तो ये जो ना हम आम डेली लाइफ में जो हम अपनी वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं तो उसी का ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिफ्रेक्टिव टोन्स ने दिया है यहाँ पे जिसका मतलब है कि ये रियलिटी पे बेस्ड करती है और इसकी जो सिम्पलिसिटी है ना वो डिक्शन की वो एक डीपर एक फिलोसफिकल थीम को जनरेट करती है जिसका मतलब है कि जैसे कि रिग्रेट होना या कोई चॉइस पे हम फोकस कर रहे हो कि तो ये वो वाले थीम को यहाँ पे जनरेट कर ये लाइंस और ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे सिंपल थीम ऑफ चॉइस चौस पे देखें लिखा हुआ है पे रहा। उसके बाद हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल रिलेट करती है हमारी हमारे फील्ड से जिसका मतलब है द सोल्जर केम फ्रो केम होम फ्रॉम द वॉर विथ हिज राइफल हिज मेडल्स हिज स्कार्स ओके तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये सारे एक ही ग्रुप के वर्ड्स लगते हैं जैसे कि सोल्जर वार, राइफल, मेडल, स्कार्स ये सारे इंटरकनेक्टेड वर्ड्स हैं तो इसी को हम सेमेटिक फील्ड कहेंगे जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक फील्ड री द थीम ऑफ कॉस्ट तो इन सारो वर्ड्स की जो यहाँ पे मीनिंग निकलती है कि जो ये वर्ड्स हैं

और उसके वार की जो आफ्टर मैथ होती है बैटल की उसके बारे में यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है तो, कोहेसिव वार टर्म्स हाइटन इमोशनल वीथ ऑफ द वर्ड्स टू थीम्स ऑफ ट्रामा सर्वाइवल न्यूरोज अच्छा तो यही वाली बात है कि इसमें जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं तो वो हमारी फीलिंग्स को हाई कर रहे हैं जैसे कि उसी उसीटिक फील्ड्स के एक रिलेटेड फील्ड्स के जो वर्ड है और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आती ये है जैबर वकी की बैल्यू कैरोल जैबर वकी उसकी पोम है तो उसमें से एक एग्जाम्पल है थ्रो लुकिंग ग्लास एंड वाट फाउंड देयर तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो टर्म है लुकिंग ग्लास ये बिल्कुल न्यू एक वर्ड जिसने हमने कभी भी ना सुना हो ऐसा वर्ड है तो इन जैबर वकी कैरोलॉज सच एस कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिमी एंड लिथ

आठ दो रोमियो तो यहाँ पे वेयर फोर का जो वर्ड है ये हमारे पास आर्केजम का उससे रिलेटेड है कि ये पुराना वर्ड है मगर अब हम यूज़ नहीं करते द वर्ड वेयर फोर मीनिंग वाई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्केजम एज़ इट इन होल्डर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज रेयरली यूज इन मॉडर्न इंग्लिश तो यही बात है कि इसका जो वर्ड के पुराने जो वर्ड अगर राइटर को यूज़ कर रहा है अपने uh, किसी भी पोम में तो वो उसको क्या करना चाहता है वो एक अपना टाइमलेस टच देना चाहता है क्लासिकल क्वालिटी देना चाहता है अपने वर्ड्स को और ऑडियंस को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कौंट, का वो रिमाइंडर देना चाहता है और उसके बाद हमारे पास अब हम देखते हैं यहाँ पे आता है हमारे पास सिंटेटिक स्ट्रक्चर जो ज़्यादातर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है जिसमें सबसे पहले आ जाता है सेंटेंस कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चर पोइट्री ऑफन प्लेस सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स और फ्रेगमेंटेड अच्छा वैसे तो आपको पता होगा कि पोइट्री में फ्रेगमेंटिक सेंटेंसेस होते हैं जो आ, मतलब आपस में बिल्कुल कटे हुए सेंटेंसेस होते हैं टूटे हुए तो फिर वेस, आ, वो एक कॉम्प्लेक्स थीम को जनरेट कर रहे होते हैं और इमोशंस को वोक कर रहे होते हैं और उसके बाद एक इन्हीं हम सिंपल सेंटेंसेस को और कंपाउंड या फ्रेगमेंटेड सेंटेंस को एग्जेपैन करके हम पता लगा सकते हैं कि ये पोम की टोन क्या है ये और इसका क्या इफेक्ट है तो और दूसरी यहाँ पे लिखा हुआ है इंजमेंट एंड कैसूरा अच्छा क्या होता है? ये होता है है ये एक एक दूसरे के बाद मतलब running after running, मतलब खत्म होते ही दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाए बगैर किसी पॉज या बगैर किसी कॉमा के तो उसको वो इंजबमेंट कहते हैं और कैसूरा होता है जो मतलब एक सेंटेंस के बाद पॉज आता है विद इन अ लाइन जिसका मतलब होता है कि किसी भी आ, फोकस ड्रॉ करना रीडर का उस पर तो हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जस्ट अवर सेल्स एंड एंडलिटी तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो बिकॉज है ये बिकॉज वर्ड हम शुरू में नहीं लगाते किसी भी सेंटेंस के ये बगैर हमेशा जो है ना ये बीच में आता है किसी भी सेंटेंसेस के तो यहाँ पे में इसका एनालिसिस भी लिखा हुआ इन लाइंस में इनका

सेंटेंस जो है ना वो मिरर कर रहे हैं डीप कंटेम्पलेटरी टोन को जो उसकी जो ना एक लाइफ और मोर्टैलिटी के बीच में एक, एक टोन है द स्ट्रक्चर जो यहाँ पे वो पेस दे रहा है मतलब रीडर्स को जो ना केयरफुली देखने का मौका दे रहा है कि हर एक लाइन पे वो एक अलग ही फोकस करें ईच फ्रेज पे तो यहाँ पे हम इसके बाद एक अलग दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास स्टॉपिंग बाय वो ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है

डिटेंसिस यूज किए जो फ्रेगमेंटेड हैं जो सिचुएशन को बता रहे हैं काम सिचुएशन है, है और इसकी जो सिंपलिसिटी है, है और मैच जो है नाइट पीसफुल्ड हाउ ओवर द फ्रेगमेंटेशन आल्सोन एज द स्पीकर

रनिंग आफ्टर वन सेंटेंसेस जैसे कि यहाँ पे कोई पॉज नहीं आ रहा सेंटेंस के बाद एक की या फ्रेज के बाद कोई सेंटेंस नहीं आ रहा वो सॉरी पॉज नहीं आ रहा तो वो

द कंटिन्यूस फ्लो रिफ्लेक्ट्स दिल्ली इसका मतलब यही है कि सेंटेंस uh, एक, एक खत्म होता है और दूसरा स्टार्ट हो जाता है तो इसकी जो है एक कंटिन्यूटी है और फ्लूडिटी को वो शो कर रहा है कि जो है ना रीडर्स बगैर पास वाली चीज़ों को रिफ्लेक्ट किए जो है ना वो आगे देखते जाए और उसकी जो ना पास मेमोरी और डिजायर्स को वो पढ़ते जाए थ्रो फ्रेगमेंट एंटिक टोन उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है टू अर इज ह्यूमन टू forgive अ डिवाइन ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये है कैसूरा की एग्जाम्पल जिसकी मतलब है कि जो लाइन्स हैं ये दोनों जो फ्रेज़ेस हैं वो बिल्कुल ही डिस्टिंग अलग हो चुकी हैं पॉज आ चुका है इनके बीच में ये जो आप ये देख रहे हैं ये कैसूरा का पॉज है तो ये सेपरेटिंग टू कंट्रास्टिंग आइडियाज दिस पोज इम्फेसाइज द कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन फेलेबिलिटी टू अर इज ह्यूमन एंड गॉड लाइक क्वालिटी ऑफ फॉर टू फॉरगिव

द स्मेल ऑफ स्टीक्स इन सिक्स ओ क्लॉक द बर्न आउट इंड स्मोकी डेज अच्छा तो ये भी कैस्यूरा की एग्जाम्पल है यहाँ पे जिसका यहाँ पे अगर सिक्स ओ क्लॉक देखें तो ये बिल्कुल सबसे अलग लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक आइसोलेटेड स्टेटमेंट है जिसको वो एब्रपनेस शो करिए सेंटेंसेज की और सराउंड बायर डिस्क्रिप्टिव फ्रेजे सारे जो फ्रेजेस हैं यहाँ पे वो लॉन्गर और डिस्क्रिप्टिव हैं सिर्फ एक ही सिक्स ओ पे जो है यहाँ पे स्टेटमेंट है, है ये सेंटेंस है यही अलग है एक तो ये सेंस ऑफ आइसोलेशन और स्टेगनेशन अवेयरनेस वेरीनेस को यहाँ पे वो शो कर रहा है तो हमारे पास अब आता है ग्राफोलॉजिकल फीचर्स जिसमें हम देखेंगे लिनिएशन एंड स्पेसिंग और कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन तो इन अगर आप राइटर ने यहाँ पे पोइट ने या किसी ने भी अगर लाइन ब्रेक की है तो वो लाइन भी उसने इंटेंशनली की है उसका मतलब होगा कोई और अगर स्पेस दिए या फिर हाइफन दिए तो उसका भी एग, एक एक्चुअल मकसद होगा या कॉमा वगैरह तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे ग्राफोलॉजिकल फीचर्स में जैसे यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का लिखा हुआ है तो कैपिटलाइजेशन भी यहाँ पे हम एक इस, वो एक ऐसी जो ना राइट टेक्निक है जो यार राइटर यूज करता है किसी भी वर्ड पे ज्यादा फोकस करने के लिए टेंशन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स जो भी उसमें वो यूज की गए हो कॉमा वगैरह फुल स्टॉप वगैरह या फिर आ, 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 और भी वो, जो जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उन सब की भी एक एक अलग ही मीनिंग होती है तो उसमें हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे में है आई एम नो बडी हु आर यू आर यू नो बडी टू देयर then there is a pair of us don't tell they had banish us they would banish us you know how dreary to be somebody how public like a frog to tell your name the live long day to an admiring bob तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे I को इसने कैपिटल कैपिटलाइज किया हुआ है यहाँ पे तो I am nobody अब I के बारे में ये ज्यादा बोल रही है उसके बाद वो कह रही है यहाँ पे अगर इसने एक यहाँ पे ये मार्क दिया हुआ है अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है यहां पे। उसके बाद अगर आप देखें तो इसने हु को यहाँ पे डब्ल्यू का कैपिटल किया हुआ है उसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है आर यू? आर यू अब इसने यही दोबारा इसकी स्टेटमेंट है यहाँ पे आर ए को इसने कैपिटल किया हुआ है और दोबारा इसने यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है तो ये भी जितनी भी सारी इस चीज पोम में जितनी भी कैपिटलाइजेशन या कॉमा या उस लाइन ब्रेक की है या हाइफन दी हुई है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो इन सब का ना एक मकसद है इनकी भी एक मीनिंग है तो अगर ग्राफोलॉजिकल फीचर्स में हमने इन्हीं चीज़ों को देखना होता है तो होप्सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और लाइक करें थैंक यू